हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब मजे कर रहे होंगे। तो देखा, आज स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। काफ़ी दिनों से कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, हम फिर से आ चुके हैं आपके साथ एक और नया ब्लॉग लेके। आज का हमारा ब्लॉग है उदय सागर ब्लॉग, जो कि उदयपुर की बहुत ही शानदार झील है। ये उदय सागर का रोड है और आप देख सकते हो उदय सागर का पीछे का नज़ारा कितना सुंदर है। चलो अब आपसे बात करते हैं उदय सागर जाके। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उदय सागर के मेन गेट पर। इसी से होकर हमें अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये छोटा सा डोर इसलिए ओपन कर रखा है ताकि सिर्फ लोग चल के जा सके। देख सकते हैं आप मेरे पीछे का नज़ारा, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। और आज संडे होने की वजह से काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं उदय सागर का शानदार नज़ारा। बीच में होटल है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है उदय सागर। तो चलिए आगे चल के देखते हैं क्या और यहाँ के सुंदर नज़ारों को। मंदिर भी है जिसे उदय सागर के नाम से, उदय सागर बाबू जी के नाम से जाना जाता है। ये भैरू जी का मंदिर है विशेष करके, और ये काफ़ी चमत्कारी मंदिर है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते जाते हैं। आज संडे होने की वजह से यहाँ पर पूजा होगी, इसी वजह से यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आपको बता देता हूँ मंदिर का अंदर का नज़ारा। वैसे यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर, फिर भी मैंने आपके लिए एक छोटी सी कोशिश की है कि अंदर से भी एक छोटा सा वीडियो बना सकूँ। देखिए कितने भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं मंदिर में। आप देख सकते हैं मंदिर बिल्कुल खुला है ऊपर की ओर से, सिर्फ पेड़ की छाया है यहाँ पर। और काफ़ी सुंदर मंदिर है यहाँ पर अंदर से। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया। उसके बाद हम फिर से बाहर आ गए। देख सकते हैं पीछे काफ़ी लोग हैं। अभी आरती का समय होने वाला है कुछ ही समय में। अभी मैं आपको ऐसी उस जगह ले जाऊँगा जहाँ से उदय सागर के गेट खोले जाते हैं और जहाँ से उदय सागर का पानी दूसरी नदियों में होकर जाता है। तो यहाँ से उदय सागर का पानी दूसरी नदियों में जाता है, सॉरी नदी में होकर जाता है दूसरी जगह पर। और यहाँ पर ऊपर भी एक मंदिर है और ये देख सकते हैं आप उदय सागर के गेट। काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं आज यहाँ पर, क्योंकि संडे है तो कई लोग घूमने आए। ये भैया फ़ोटो खिंचवाते हुए, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आज संडे है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। लेकिन उमस बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ दिल जले आशिकों की निशानी यहाँ पर है। अब हम चलते हैं गार्डन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बीच में मंदिर है जो कि कालिका माता का मंदिर है, लेकिन आज उस पर ताला लगा हुआ है। पता नहीं क्यों ताला लगा हुआ है, लेकिन अभी वो मंदिर बंद है, तो फिर हमने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा। उसके बाद हम चले गए उदय सागर की पाल पर, जहाँ पर हमें काफ़ी सुंदर उदय सागर का नज़ारा दिखा, जिसमें बीच में वो होटल राफेल्स, जो कि काफ़ी सुंदर होटल है। भगवान ने चाहा तो कभी हमें भी मौका मिलेगा उस होटल के अंदर जाने का। देख सकते हैं आज संडे होने की वजह से काफ़ी लोग आए हुए हैं और सभी लोग अपना अपना फ़ोटो शूट करते हुए यहाँ पर। हमने भी फ़ोटो खिंचवाए। उसके बाद हम गए उदय सागर के गार्डन में। काफ़ी बड़ा गार्डन है और लोग यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। दूर दूर तक सब अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं। गार्डन में गया घूमने, लेकिन मेरा कैमरा मैन पीछे रह गया, फिर उसको मैंने बुलाया। उसके बाद वहाँ का नज़ारा देखा, काफ़ी सुंदर नज़ारा। उसके बाद गार्डन के आगे जा कर देखते हैं तो आपको पब्लिक जो आते हैं मंदिर में या जिनके प्रोग्राम होते हैं उनके रुकने की व्यवस्था भी है। तो दोस्तों, ये था हमारा उदय सागर का ब्लॉग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।